हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है टेस्ट क्विज में। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पहले हम समझते हैं कि मैग्नेट क्या है। देखिए, मैग्नेट ऐसा चीज है जिसके दो पोल्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक अगर भी चार्ज अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है तो पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड आपके फील्ड लाइंस होंगे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तो आपके नेगेटिव चार्ज से भी फील्ड लाइंस अवेलेबल होंगे, जो अगेन आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर आप बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कंपलसरी है कि आपके पास दो पोल होना बहुत जरूरी है। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखिए, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं क्या है, कैसा है, और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैग्नेट है, क्लियर? आपके पास क्या है, एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के हम बोलते हैं दो पोल हमारे पास अवेलेबल है, तो एक पोल को मान ले सकते हैं साउथ और सेकेंड पोल हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब ध्यान से देखिए, जैसे फील्ड लाइंस कैसे आएंगे, जो फील्ड लाइन एसोसिएट होगा मैग्नेट पे साउथ से नॉर्थ टूवर्ड्स, जो फील्ड लाइन आपके मैग्नेट पे एसोसिएट होंगे साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ, उस फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा थ्रू द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के इनसाइड से ही वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। लेकिन जो फील्ड लाइन मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा, जो फील्ड लाइन आपके मैग्नेट से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा वो मैग्नेट के बाहर से जाएगा, और ऐसा ये रेडियली आउटवर्ड होगा। देखिए ध्यान से, अब इसका जो फील्ड लाइन है वो जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये मैग्नेट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि मैग्नेट की इंटेंसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा मैग्नेट की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा मैग्नेट का क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। जितनी ज्यादा मैग्नेट की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा मैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा। इंटेंसिटी कहने का मतलब मैक्सिमम द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैक्सिमम द स्ट्रेंथ विल बी देयर। तो सीरियसली कहने का क्या मतलब है, जितने ज्यादा आपके पास मैग्नेट के फील्ड लाइंस अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल होंगे, उतनी ज्यादा मैग्नेट की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ये डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेट के फील्ड लाइंस कैसे आएंगे। आप एक वर्ड भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे क्या होगा, विल इंक्रीज द, इंक्रीज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। समझाने के लिए, अगर आपके पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि अगर मान लीजिए वो फॉर एग्जाम्पल एक 1 meter के रेडियस का है, एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपका अवेलेबल है जो वर्टिकली ऐसा प्लेस किया गया है जो 1 meter के रेडियस पे है, वो एक कार को अपनी तरफ पर खींच सकता है। सीधा सीधा कार जमीन से छूट के उस मैग्नेट से अटैच हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सुपर मैग्नेट कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी। क्लियर? एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके पास अवेलेबल है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, ना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम उसको पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिक पोल पे। लेकिन एक चीज बस याद रखिएगा कि ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोनों में से कोई भी फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो ये आया समझ पे। चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है और कैसी है। तो सबसे पहले पास हमारे पास प्रॉपर्टी आता है मैग्नेट का कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू, कि कैसे अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स अपने कैसे रिपेल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। देखिए इसको,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे और क्यों हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अवेलेबल है एक मैग्नेट जिसको हमने नेम किया है, ये है नॉर्थ पोल आपके पास, ये है साउथ पोल आपके पास। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ का डायरेक्शन रहेगा कुछ ऐसे, और नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ का डायरेक्शन रहेगा अबाउ द मैग्नेट बी, और आपका रहेगा ये बिलो द मैग्नेट बी, क्लियर। उसके बाद बार बार वहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी जो आपके रेडियली आउटवर्ड रहेंगी, क्लियर, और इस पॉइंट से साउथ डायरेक्शन से इनवर्ड रहेंगे। अब आप इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए एक और मैग्नेट मैं इसके पास लेके आता हूँ, तो एक और मैग्नेट अवेलेबल है, पहला देख सकते हैं अनलाइक पोल्स के लिए। अनलाइक पोल्स के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने नॉर्थ रखा, यहाँ पर मैंने साउथ रखा, तो इससे क्या हो जाएगा मेरा कि साउथ से नॉर्थ का डायरेक्शन हुआ कुछ इस साइड पे, साउथ से नॉर्थ का डायरेक्शन हुआ ऐसे, अगेन नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन होगा इस साइड, अगेन नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन होगा इस साइड, तो ये मेरा नॉर्थ से साउथ और ये हुआ मेरा साउथ का जो हुआ रेगुलरली इनवर्ड। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जा रहा है आपका क्लॉकवाइज, ये जा रहा है आपका क्लॉकवाइज, और इसको देखिए ध्यान से, ये भी जा रहा है आपका क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर दो क्लॉकवाइज चीज को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो डेफिनेटली वो जुड़ जाएंगी। तो इससे मेरे को क्या क्लियर हुआ कि अनलाइक पोल्स क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, या पाया समझ पे। अगर इसी का मैं जस्ट अपोजिट लेके चलता हूँ, अभी मेरे पास क्या अवेलेबल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अवेलेबल था, और मैंने नॉर्थ और साउथ और अनलाइक पोल्स को पास रखने की कोशिश की। अब मैं ट्राई करूंगा कि लाइक पोल्स को पास रखूं, और लाइक पोल्स को पास रखने के बाद ये ट्राई करूं कि क्या वो रिपेल कर रहे हैं कि नहीं रिपेल कर रहे हैं। डेफिनेटली वो रिपेल करेंगे, तो चलिए डायग्राम से देखते हैं कि वो कैसे रिपेल करेंगे, क्लियर। तो चलिए इसके डायग्राम को स्टार्ट करते हैं अपन। तो अब मान लीजिए हमारे पास दो लाइक फोर्स है, दो लाइक फोर्स का कोई भी लाइक फोर्स ले सकते हैं, हम लेके चलते हैं नॉर्थ पोल को, फिर साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, क्लियर, नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, साउथ से नॉर्थ का डायरेक्शन हुआ कुछ ऐसे, साउथ से नॉर्थ का डायरेक्शन हुआ कुछ ऐसे, नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन हुआ कुछ इस फॉर्म पे अबव द मैग्नेट, फिर नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन हुआ फिर ऐसे बिलो द मैग्नेट, तो नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन हुआ कुछ ऐसे अबव द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन हुआ कुछ ऐसे बिलो द मैग्नेट। इसका डायरेक्शन क्या जा रहा है, इसका डायरेक्शन जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर, और इसका डायरेक्शन क्या जा रहा है आपका क्लॉकवाइज। तो देखिए ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज और ये है आपका क्लॉकवाइज। तो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की दो चीज को पास रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लीजिए फर्स्ट बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा अच्छे से रिपेल करेगा, अगर सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसे रिपेल करेगा, क्लियर। अगर मान लीजिए दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ सेम है, पहले मैग्नेट और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ अगर सेम है तो दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक पोल्स क्या करेंगे, आपके रिपेल करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है जिस साइंटिस्ट ने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, ये सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था, वो था ऑर्स्टेड। ठीक है, आप देखते हैं कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किससे रिलेट करता है, और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे जो एक्सीडेंटली प्रूव किए थे
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां भी होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, या जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वहां क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। कहने का मतलब है आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैंने डीसी मैग्नेट से, डीसी पावर सप्लाई से मैंने कनेक्ट किया, डीसी बैटरी से। अगर उस कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, अगर उस कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। उसके सराउंडिंग क्या अवेलेबल होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवेलेबल होंगी। तो चलिए देखते हैं कि उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी और क्या होंगी। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है और उन्होंने क्या डील किया था। इन्होंने डील किया था कि एक सर्किट आपके पास अवेलेबल है, उस सर्किट में आपने एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया है डीसी बैटरी को यूज करके, और आपने उसके पास क्या रखा, एक कंपास रखा। कंपास मतलब जो आपके नॉर्थ पोल साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करके शो करता है, बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखते हैं। आपके पास एक कंडक्टर अवेलेबल है, क्लियर। आपके पास एक एमीटर अवेलेबल है, क्लियर। आपके पास एक वन वे की अवेलेबल है इसी सर्किट की, क्लियर। आपने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, इसके पैरेलल कंडक्टर पे जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्लियर। फिर आपने एक बैटरी से कनेक्ट की, क्लियर। फिर आपके पास एक कनेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ, ये आपके पास एक डीसी बैटरी है, ये इसका करंट का फ्लो का डायरेक्शन है, ये आप वोल्ट मीटर का प्लस माइनस टर्मिनल है, देन ये आपका एमीटर का प्लस माइनस का डायरेक्शन में टर्मिनल है, और ये आपका वन वे की है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका की क्या है, क्लोज है, तो मतलब आपका सर्किट क्लोज है। आपका सर्किट क्लोज है मतलब इसमें करंट क्या होगा, फ्लो करेगा आपका। अब आप इसमें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आप किसको लेके आते हैं, इसके पास, जैसे आप इसके पास लेके आते हैं एक कंपास जिसका डायरेक्शन शो करता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा वो फॉलो करता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहने का मतलब है आपका थंब का डायरेक्शन रहेगा करंट का, और जो क्रॉलिंग ऑफ फिंगर्स हो रहा है ये देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का। अब देखिए ध्यान से, मेरा करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। अगर मैं करंट के डायरेक्शन को डाउनवर्ड करता हूँ तो मेरे फिंगर्स कैसे क्रॉल हो रहे हैं, ऐसे क्रॉल हो रहे हैं, ऐसे क्रॉल हो रहे हैं। मतलब ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा मेरे किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन होगा। समझ में आप लोगों को, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन क्या होगा। तो जो मेरा क्रॉलिंग ऑफ फिंगर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, इसके ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके कारण क्या होगा, मेरा जो यह कंपास मैंने इसके नियर पर लाया है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। अब डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इस पर्टिकुलर सर्किट को अप्लाई किया गया है। अगर आप मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट में अप्लाई करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर आप मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। लेकिन बस याद रखिएगा, ऑस्टेड ने इसको एक्सीडेंटली इसको प्रूफ किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो सकती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ होती है। जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपके पास अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद, मैक्सवेल रूल, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल। क्लियर? स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।